भोजपुरी स्टार और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को चुनाव से पहले ही तगड़ा झटका लगा है। पवन सिंह पर काराकाट, विक्रमगंज, संझौली, राजपुर समेत कई थानों में केस दर्ज हुआ है। मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है, जिसमें पवन सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल रियल लाइफ में हीरो की तरह रोड शो करना पवन सिंह को भारी पड़ गया। हालांकि तैयारी जबरदस्त थी, 2 करोड़ रुपए की रेंज रोवर कार, बुलडोजर से पुष्प वर्षा, माहौल पूरा फिल्मी था, मीडिया वाले भी खूब थे। लेकिन इसी चुनाव प्रचार के चक्कर में पवन सिंह पर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 FIR दर्ज हुई है। तो इस तरह से काराकाट में NDA प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ाने मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार पवन सिंह खुद ही फंस गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि पवन सिंह कैसे फंसे और क्या है वजह, तो अब आपको बिंदुवार समझाते हैं पवन सिंह के फंसने के वो 5 कारण जिनके चलते पवन सिंह पर 5 केस दर्ज किए गए हैं। पहला पॉइंट, चुनाव आयोग ने पवन सिंह को 5 कारों को रोड में ले जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उनके काफिले में करीब 20 कार और 30 से ज्यादा बाइक शामिल थी। रोड शो की वीडियो रिकॉर्डिंग में ये साफ नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट, सवाल ये है कि एक नियम के उल्लंघन के लिए पवन सिंह पर 5 FIR क्यों दर्ज की गई? इसकी वजह उनका 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो बना। तीसरा पॉइंट, 23 अप्रैल को पवन सिंह अपने रोड शो के दौरान काराकाट लोकसभा सीट की 5 जगहों से गुजरे। ये जगहें थी अकोढ़ी कोला, विक्रमगंज, काराकाट, संझौली और राजपुर। इन 5ों थाना इलाकों में पवन सिंह पर FIR दर्ज की गई है। चौथा पॉइंट, इस FIR के दर्ज होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, अति उत्साह और सलाहकारों की मंडली। किसी ने पवन सिंह को ये नहीं बताया कि अगर काफिले में तय से ज्यादा गाड़ियां होंगी तो वो आचार संहिता के उल्लंघन के केस में फंस सकते हैं। पांचवा पॉइंट, पवन सिंह ने अपने रोड शो के दौरान गाड़ी में हूटर का भी इस्तेमाल किया, जबकि गाड़ियों में हूटर का प्रयोग करना साफ मना है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को नियमों के बारे में पता नहीं था, चुनाव आयोग ने उन्हें पहले ही नियमों की पूरी जानकारी दे दी थी। चुनाव आयोग की रूल बुक के मुताबिक प्रचार के दौरान गाड़ियों की संख्या की भी इजाजत लेनी होती है। ये सब कुछ पवन सिंह जानते थे, लेकिन यही उनके लिए मुश्किल बन गया। पवन सिंह के साथ मौजूद उनके समर्थक अति उत्साह में ये भूल गए कि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करना उन्हें मुश्किल में फंसा सकता है। जाहिर है कि अब पवन सिंह के लिए मुसीबत बढ़ गई है, अब वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।